बिहार में कुचक्र रचा जा रहा है। केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी को राजनैतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आपने बिहार में खतरनाक कोशिश किया है। भारतीय जनता पार्टी किसी को लगाती नहीं है, किसी को फंसाती नहीं है। सीबीआई डरने के लिए तो डरने वाला नहीं है। इंसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, बिहार में आज का दिन बहुत कुछ लेकर के आया। एक तरफ तो बिहार विधान की विशेष सत्र बुलाई गई जो कि आज और कल है। आज का दिन वहां पर भी बेहद खास रहा क्योंकि आज विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया। कल भी एक सत्र जो है वो चलेगा। लेकिन इसके अलावा जो बड़ी खबर बिहार से आई है वो ये है कि आज के ही दिन कई राजद नेताओं के घर पर रेड पड़ी है, जिसमें पहले राजद नेता सुनील सिंह के घर पर छापेमारी हुई है। तो पटना समेत बिहार में कुल 24 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। और ये सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि इसकी आंच जो है वो दिल्ली एनसीआर तक भी पहुंच गई है। कहां कहां कैसे कैसे छापेमारी हो रही है ये सारी चीजें आपको बताते हैं इस खबर में डिटेल से। सुनील सिंह जो कि राजद एमएलसी हैं, इनका घर पटना के शास्त्री नगर इलाके में है, जहां पर आज सुबह में ही बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची है। लोगों के जहन में और सत्ता पक्ष में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आज बिहार विधान का विशेष सत्र बुलाया गया है, आज और कल दो दिन का ये सत्र है, तो आखिरकार आज का है दिन छापेमारी के लिए क्यों चुना गया। सुनील सिंह के घर में जो कि आरजेडी एमएलसी हैं, सबसे पहले छापेमारी के लिए वहां पर सीबीआई पहुंची और बड़ी संख्या में सीबीआई की पूरी टीम जो थी वो वहां पर पहुंच करके पूरी परिवार को, सुनील सिंह को बालकनी में खड़ा कर दिया और उसके बाद अंदर जाकर के जो प्रोसेस होता है उसके तहत छापेमारी शुरू की। सुनील सिंह ने बड़ा आरोप लगाया इसको लेकर के। उन्होंने साफ कहा कि आज का ही दिन छापेमारी के लिए क्यों चुना गया है, जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और ये सब कुछ जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। लेकिन बात सिर्फ सुनील सिंह के घर तक ही सीमित नहीं है। आरजेडी के कुल 5 बड़े नेता लोगों के घर पर भी छापेमारी हुई है और सिर्फ बात यहीं तक नहीं रुकी है, लिस्ट और भी लंबी होती जा रही है। आपको आगे भी बताएंगे कि लिस्ट कैसी लंबी हो गई और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो गए। लेकिन पहले उन 5 बड़े नेताओं का नाम बताएं जिनके घर पर छापेमारी हो रही है, जिसमें सबसे पहले तो सुनील सिंह का नाम आता है। आरजेडी एमएलसी हैं, लालू परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं और ये राबड़ी देवी की राखी भाई के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके अलावा आरजेडी के सांसद अशफाक करीम हैं, आरजेडी के राज्यसभा सांसद फयाज अहमद हैं, एमएलसी सुबोध राय हैं, राबड़ी देवी के निजी सचिव नागमणि यादव के घर पर छापेमारी हुई है और सूत्रों के अनुसार सीबीआई द्वारा ये रेड जो है वो जमीन के बदले नौकरी देने के मामले से संबंधित है। ये लिस्ट सिर्फ यही नहीं रुकी, यानी कि सिर्फ 5 नेताओं के घर पर छापेमारी पर ही यह लिस्ट रुक नहीं रही है, बल्कि लिस्ट जो है लगातार लंबी होती जा रही है। खबर अब बताने तक में इसमें 2 नाम और शामिल हो गया है। जिनका नाम आया है वो बताएं, लालू यादव के करीबी सुभाष यादव और अबू दोजाना के ठिकानों पर भी सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है और वहां भी छापेमारी हो रही है। शाम तक ये लिस्ट जो है वो और लंबी हो सकती है और भी लोग और लोगों के और नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं। सवाल सबके जहन में बार बार ये आ रहा है कि आखिर क्यों आज का ही दिन चुना गया है। इसकी आंच सिर्फ बिहार तक ही नहीं रही है, छापेमारी की आंच दिल्ली एनसीआर तक पहुंच गई है। जी हाँ, गुरुग्राम में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मॉल पर भी छापेमारी चल रही है, जिसका नाम अर्बन क्यूब्स बताया जा रहा है। और अब जो है जेडीयू की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है, पहले आप वो सुनिए। केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी को राजनैतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आपने बिहार में खतरनाक कोशिश किया है। आज राज्य सरकार बहुमत परीक्षण करने वाली है तो सीबीआई ईडी से शक्ति परीक्षण करवा रहे हैं। विधायकों की संख्या नहीं, लेकिन बिहार में कुचक्र रचा जा रहा है। ये लोकतंत्र की भूमि है, सीबीआई ईडी जैसी दर्जनों सैकड़ों संस्थाओं को ले आओगे लेकिन दुनिया में कोई माइका लाल पैदा नहीं लिया है। जो बिहार में विधायकों को जो महागठबंधन का सरकार बना है उस पर कोई दबाव बना सके, इसलिए भ्रम में मत रहिए, जनता सब कुछ देख रही है। सुनील सिंह के आवास पर छापेमारी पर बड़ी बात ये आई है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बड़ा खुलासा किया है। जी हां, संजय जायसवाल ने कहा है कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार ने ही खुद बिस्कुमान की शिकायत की थी। तो बीजेपी किसी को नहीं फंसाती है, बल्कि नीतीश कुमार ने ही पहले शिकायत की थी, जिसके बाद ये तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो हुई हैं।
भारतीय जनता पार्टी किसी को लगाती नहीं है, किसी को फंसाती नहीं है। आज से 1.5 साल पहले नीतीश कुमार जी ने खुद ही कंप्लेन किया था, जब बिस्कोमान में करोड़ों रुपए जा रहे थे और पकड़े जा रहे थे। हो सकता है माननीय नीतीश जी ने जो उस समय संज्ञान में लिया था बिहार सरकार ने, क्योंकि स्कॉर्पियो की गाड़ी पकड़ाई थी, पैसे के साथ विधानसभा से जाते हुए गाड़ी पकड़ाई थी, टिकट के बदले पैसे दिए जा रहे थे, इन सब चीजों की जो परिणति होती है वह हो रही है। और अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी क्या कुछ कह रही हैं। अड़ गए हैं लोग, नया सरकार बना है नीतीश कुमार के नेतृत्व में और सारा पार्टी हमारा साथ है, बीजेपी के छोड़ के जो भी पार्टी है हम लोग के साथ है, बहुमत हम लोग के पास है, दोनों सदन में बहुमत हम लोग के पास है। लेकिन सीबीआई छापा आज के लिए, सीबीआई डराने के लिए, तो डरने वाला नहीं है, हम लोग डरने वाला में से नहीं है। आज पहली बार नहीं हो रहा है छापामारी, हमारा बिहार के जनता सब हमारा पलवार है, बिहार के जनता पलवार है, पलवार देख रहा है बिहार के जनता। देश के तो उलो लूटा है, देश के उलो लूट लिया है। चलिए तो आज एक बार फिर से बिहार की सियासत जो है वो काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है और दिन ढलते ढलते जो रेड की लिस्ट है, जो छापेमारी की लिस्ट है, वो और लंबी हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अनामिका को दीजिए इजाजत, नमस्कार।